गुड मॉर्निंग क्लास 8, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। दिस इज योर बुक इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास 8। और पिछले बार एक मज़ेदार सी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी शेख चिल्ली के बारे में, फॉल्स फ्लाइट। और फॉल्स फ्लाइट पर मैंने स्टोरी आपको समझाई है ना। और चलिए आज कुछ आगे करते हैं। कल कुछ एक्सरसाइजेस हमने की थी, क्वेश्चन आंसर करने थे हमें, तो क्वेश्चन आंसर की आज शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी वगैरह लेकर रेडी हो जाएंगे आप लोग। बहुत कम काम है राइटिंग का, बहुत थोड़ा सा काम है इसमें, शेख चिल्ली वाले इसमें क्वेश्चन आंसर्स का। ये आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स रखे हुए हैं, इसको थोड़ा जूम किए देता हूँ मैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें इसे। ओके फाइन, आई थिंक इट इज ओके। देखिए पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज शेख चिल्लीज प्लान। शेख चिल्ली का प्लान क्या था, वॉट वॉज शेख चिल्लीज प्लान। तो हम जानते हैं कि शेख चिल्लीज प्लान वॉज टू बाय अ काउ, BUY, टू बाय अ काउ एंड सेल इट्स मिल्क। एक एक लाइन के आंसर्स हैं। शेख चिल्लीज प्लान वॉज टू बाय अ काउ एंड सेल इट्स मिल्क। शेख चिल्ली का प्लान था कि एक गाय खरीदूंगा और उसका दूध बेचा करूंगा। तो गाय खरीदने का और उसका दूध बेचने का प्लान था शेख चिल्ली का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाउ मेनी पॉट्स डिड शेख चिल्लीज वाइफ बाय। मतलब शेख चिल्ली की पत्नी ने कुल कितने जो क्ले पॉट्स थे या मिट्टी के बर्तन थे कितने खरीदे। जानते हैं आप, 5 खरीदे थे उन्होंने, वही लिखना है हमें। शेख चिल्लीज वाइफ बॉट, BOUGHT, बाय का सेकंड फॉर्म है क्योंकि डिड से क्वेश्चन है, इसीलिए आप लिखेंगे शेख चिल्लीज वाइफ बॉट 5 पॉट्स। शेख चिल्लीज वाइफ बॉट BOUGHT 5 पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, व्हाई डिड शी बाय एन एक्स्ट्रा पॉट। जैसे उन्होंने बताया था कि 4 पॉट्स का तो उन्होंने इस्तेमाल बता दिया था, एक दूध के लिए, एक बटर मिल्क के छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। 5वां पॉट जो था एक्स्ट्रा पॉट, वो उन्होंने क्यों खरीदा था। आंसर है शी बॉट एन एक्स्ट्रा पॉट टू कैरी मिल्क टू हर मदर। She bought an extra pot to carry milk to her mother. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पॉट अपनी माँ के घर दूध भिजवाने के लिए खरीदा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, What made the husband so angry? जो उनके पति थे मतलब शेख चिल्ली, उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्यों आ गया। आंसर लिखेंगे द आइडिया टू गिव सम मिल्क, द आइडिया टू गिव सम मिल्क टू हिज वाइफ्स मदर, द आइडिया टू गिव सम मिल्क टू हिज वाइफ्स मदर मेड द हस्बैंड एंग्री।
made the husband angry. Full stop. और आखिरी क्वेश्चन है, Why did the neighbor start hitting Sheikh Chilli? जो नेबर ने, उनका जो पड़ोसी था, उसने शेख चिल्ली की पिटाई क्यों शुरू कर दी? The neighbor started hitting Sheikh Chilli. The neighbor started hitting Sheikh Chilli to teach him a lesson. To teach him a lesson. मतलब वो शेख चिल्ली को सबक सिखाना चाहता था. इस वजह से उसने शेख चिल्ली की पिटाई शुरू कर दी. राइट? तो आई होप कि ये सब आपने लिख लिया होगा. एक मिनट और रहने देता हूं मैं, देख लें आप उसे तब तक. ओके फाइन, तो चलिए अब आगे की एक्सरसाइज करें हम. ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके करवाए. अब आते हैं बी में, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. कंप्लीट द स्टेटमेंट. यहां पर कुछ अधूरे सेंटेंसेस लिखे हैं और हमें उन्हें कंप्लीट करना है. जैसे पहला है, शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. इन अ विलेज कहां रहते थे? एक गांव में रहते थे. ओके, सेकंड लेते हैं, शेख चिल्ली ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन. एंड शेख चिल्ली ने एक के बाद एक वो मिट्टी के बर्तनों को उठाया और क्या किया? स्मैश्ड देम. SMASHED, स्मैश्ड देम. THEM, स्मैश्ड देम. तीसरा, थर्ड वन, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काउ. एंड ये सारी चीजें जो हैं, ये डायलॉग्स यहां पे लिखे हुए हैं आपके इसमें, अगर आप देखेंगे तो. I work and sweat all day and buy a cow and you give away the milk to your mother. You give away the milk to your mother. जैसे मैंने कहा था कि आपको खुद ही कोशिश करनी चाहिए ये चीजें बनाने की. अगर आपने कोशिश की होगी तो ये इसके आंसर्स आपके लेसन में बड़े आसानी से मिल जाते हैं. I work and sweat all day and buy a cow and you give away the milk to your mother. Fourth one, last, I have been planning it for months and your cow, आगे नीचे लिखा है मैंने ये, and your cow has been eating all the wheat and corn. I have been planning it for months and your cow has been eating all the wheat and corn. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपकी यहां तक की कंप्लीट हुई. अब आते हैं अगले इस पर. लेट्स लर्न. सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, पुट देम इन द राइट कॉलम. अब आप देखेंगे कि नीचे आप अपनी बुक में ढूंढेंगे तो ये आपको चार आपको कॉलम्स बने हुए दिखेंगे. एक में लिखा है पर्सन, एक में लिखा है प्लेस, एक में लिखा है एनिमल और एक में लिखा है थिंग. पर्सन यानी कोई व्यक्ति, प्लेस मतलब किसी जगह का नाम, एनिमल आप सभी जानते हैं कोई प्राणी, और थिंग मतलब कोई वस्तु. तो यहां पर एक एक करके हमको उठाना है
जैसे यहां पे पहले आपको लिख के दे दिया कि जैसे रमन, रमन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो हमने इसको पर्सन के कॉलम में लिख दिया। आगरा, हम सभी जानते हैं आगरा एक शहर का नाम है, तो हमने उसको प्लेस में लिख दिया। एनिमल वाला कॉलम है, डॉग एनिमल है, यहां रख दिया। पानी का जैसे जग वगैरह होता है, तो वो क्या है, वो एक थिंग है, एक वस्तु है, तो हमने इस कॉलम में रख दिया। अब ऐसे ही आपको यहां से ढूंढते हुए चलना है। जैसे पहला वर्ड उठाया आपने नीडल, अब नीडल क्या है, नीडल ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, नीडल एक वस्तु है, सुई जिसे हम कहते हैं, तो इसीलिए हमने उसको यहां वाले कॉलम में लिखा नीडल, है ना। इसके बाद आता है बैट, बैट भी एक वस्तु है, तो यहां पे बैट। फिर कार, कार भी एक वस्तु है, तो यहां। आगरा आपके लिए पहले ही करके रखा हुआ है इन्होंने, प्लेस। बेंच, बेंच बेंच भी एक वस्तु है, यहां पे शायद वो मुझसे छूट गई है लिखने में, तो इसे हम यहां पे लिख लेंगे बेंच, नीचे लिख दे रहा हूं बेंच। फिर आते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स भी एक वस्तु ही है, क्योंकि यहां पर फ्रूट्स का कॉलम तो है नहीं, तो इतना तो मालूम है कि पर्सन प्लेस और एनिमल नहीं है, तो हम ग्रेप्स यहां लिख रहे हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा एक सेंट हुई है हमारे देश में, राइट, तो इसीलिए मदर टेरेसा। और हमेशा जब किसी पर्सन का नाम लिखें आप, तो उनका नाम पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, है ना, मदर का एम और टेरेसा का टी, मदर टेरेसा, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है। फिर है किचन, किचन एक प्लेस है, आपके घर की एक जगह का नाम है किचन, इसीलिए हमने प्लेस में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अब आते हैं रमन, रमन आपके लिए इन्होंने कर रखा हुआ है। फिर आते हैं गीता, गीता किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी लड़की का नाम होगा, तो इसीलिए उसे हमने पर्सन में लिखा है। फिर आते हैं लायन, लायन एक एनिमल है, तो एनिमल में लिखेंगे हम इसे लायन। कैट, कैट भी एक एनिमल है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। पोटैटो, पोटैटो एक वस्तु के इसमें आएगी ये। बाथरूम जगह का नाम है, इसलिए बाथरूम प्लेस में आएगा। टोमेटो इधर आएगा, ये टोमेटो हो गया। इसके बाद मैंगो, मैंगो भी यहाँ ही आएगा। डॉग एनिमल है, तो डॉग ये पहले से आपके लिए किया हुआ है इन्होंने। दिल्ली प्लेस है, तो दिल्ली प्लेस की जगह पे जाएगा, ये आ गया दिल्ली। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी एक वस्तु है, ये है ब्लैक बोर्ड। चार्ट, चार्ट भी एक वस्तु है, वो इधर आ गई। रूम एक प्लेस है, राइट, ये रूम। गोलू किसी लड़के का नाम होगा, तो पर्सन है। किटन एनिमल है, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। भोपाल प्लेस है, इसलिए इधर लिख लिया। गांधी जी पर्सन का नाम है, इसलिए उनका नाम जी कैपिटल लिखकर यहाँ पे गांधी जी लिखा। ज़ेब्रा एनिमल है, यहाँ लिखा इसका नाम। एलिफेंट एनिमल है, एलिफेंट इधर आ गया। जग वस्तु है, ये पहले से किया हुआ है जग। और क्लासरूम प्लेस का नाम है, इसलिए क्लासरूम आ गया। और टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है, तो टी कैपिटल है, ये पर्सन है इनका, यहाँ पे नाम आ गया। तो इस ढंग से यहाँ पे दिए हुए जो वर्ड्स थे उन्हें आपको पहचानना था कि ये दरअसल क्या है, और इन्हें कैटेगराइज करना था, इनको बांट देना था, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम, मतलब कि नाउन, है ना, कि नाउन्स, यहाँ पर पांच नाउन्स के बारे में बात की हुई है। एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन, एक है मटेरियल नाउन, और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप जानते हैं कि नाम क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड है, किसी भी हमारे आसपास हम नाउन से घिरे हुए हैं,
हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पर्संस हैं, प्लेसेस हैं, इन सबको हमने, या इवन फीलिंग्स हैं, इन सबको हमने नाम दे रखा है ना। तो वो शब्द जिससे इसके नाम का पता चलता है कि ये चीज क्या है, जैसे मैं कहूं कि ये बुक है, दिस इज अ बुक, तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि बुक क्या होती है। मैं कहूं कि ये पेन है, दिस इज अ पेन, तो आप पहचान जाएंगे पेन क्या होता है। तो ये सारे के सारे नाम हैं। अब इनको हमने पांच भागों में बांटा है जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सब इससे पहले की क्लासेस में भी लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं इन चीज़ों को, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दोहरा रहे हैं इसको, रिविज़न करवाया जा रहा है आपका, कि आप अच्छे से बेहतर ढंग से इसकी समझ बने। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस एज इंडिया, भोपाल और नीरज और दीक्षा एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन के बारे में कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का, व्यक्ति तो बहुत सारे होंगे, पर्सन बहुत सारे होंगे, उनमें से किसी एक पर्सन को अगर पर्टिकुलरली हम बुलाना चाह रहे हैं, किसी खास व्यक्ति को, तो उसका नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। जैसे हमने कहा कि बॉयज, तो लड़के तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने कहा राजू, तो ये अब किसी खास लड़के को हम की बात हम कर रहे हैं, तो राजू इज ए प्रॉपर नाउन, जबकि बॉयज जब हमने कहा तो वो एक कॉमन नाउन था। वैसी जगहें बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कह दिया भोपाल, तो भोपाल नाम की बहुत सारी जगह नहीं है, एक पर्टिकुलर एक खास जगह का नाम है भोपाल, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा इनका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे इंडिया, कंट्रीज बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया नाम का कंट्री एक ही है ना, एक पर्टिकुलर एक, या नीरज या दीक्षा, इनके भी आप देखेंगे कि सबके पहले लेटर्स कैपिटल है। यहां पर एक आपको एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश एम और पी भी कैपिटल है, ये मध्य प्रदेश भी प्रॉपर नाउन है और भोपाल जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जब इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एज बेबी, गर्ल, बुक, मैन एटसेट्रा। जब एक जैसी चीजों को एक ही नाम दे दिया जाता है, जैसे बच्चे हमने कहा, तो बच्चे का अर्थ आप समझ सकते हैं कि भाई जिनकी उम्र कम हो, है ना, उन सबको हम बच्चे कहते हैं, बेबी या चिल्ड्रन, तो ये एक कॉमन नाउन है, सबको दे दिया हमने ये नाम। जैसे हमने कह दिया कि भाई विलेजेस या विलेज, तो जहां पर कम लोग रहते हैं, जहां सुख सुविधाएं कम हैं, ऐसी जगह को हम विलेज कहते हैं। सिटी, जहां पर जो बड़ा शहर होता है जिसपे बहुत सारे लोग बसते हों, तो ऐसी सभी जगहों को हम सिटी कहते हैं। तो एक कॉमन नाम दे रखा है, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ये सब जितना है, बेबी, गर्ल, बुक, मैन, आप देखेंगे कि ये सब, हमने कहा बुक, तो बुक तो कई तरह की होती है, लेकिन सभी को किताब ही कहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर बुक की बात करें, जैसे जब मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ तो हमेशा आपको बताता हूँ कि दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक फॉर क्लास 8, तो वो किताब अकेली है जो आपके क्लास में लगती है, किताबें तो ढेर सारी रखी हुई हैं। तीसरा एक आ रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ एज होप, चाइल्डहुड, स्वीटनेस, ऑनेस्टी एटसेट्रा। ये वो चीज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं, ना तो आप इसे देख सकते हैं, ना तो आप इसे छू सकते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि भाई खुशी, अब खुशी को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, यू कैन ओनली फील दैट, है ना। खुशी को महसूस किया जा सकता है, दुख को महसूस किया जा सकता है, जो आश्चर्य है उसको महसूस कर सकते हैं, मगर उसको ना तो आप छू सकते हैं, ना तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, ये कह रहे हैं ईमानदारी। अब ईमानदारी, ईमानदार व्यक्ति को तो आप देख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को नहीं देखा जा सकता भाई, है ना। तो
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब आते हैं नंबर फोर्थ पे, एक कलेक्टिव नाउन. इट इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग कंसिडर्ड एज वन यूनिट, एज क्लास, ग्रुप, असेंबली. जब एक जैसी बहुत सारी चीजों के समूह को, चाहे वो व्यक्तियों का हो, चाहे वो प्लेसेस का हो, चाहे वो थिंग्स का हो, या किसी भी चीज का हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, उसको हम एक नाम दे देते हैं. तो वो कलेक्शन हो गया, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहने लगते हैं. जैसे आपने कई सारे, हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे चाबी का गुच्छा कहते हैं, चाबी का गुच्छा. अब क्या है, उसमें एक रिंग में हमने बहुत सारी चाबियां रख दी हैं, तो उसको चाबी का गुच्छा कहने लगे, या अंगूर का गुच्छा कहते हैं, है ना. तो इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है बंच, बंच ऑफ कीज. जहां पर एक जैसी बहुत सारी चाबियां तो एक जैसी हैं, तो वो सब की सब एक उसका समूह बना दिया हमने, है ना, बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स. वैसे ही जब आप यहां पर जनगणमन वगैरह करने के लिए जमा होते हैं सब लोग, तो उसे असेंबली कहते हैं. असेंबली क्या है, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का ग्रुप है जो एक जगह किसी काम को करने के लिए जमा हुआ है. नेशनल एंथम गाने के लिए आप जमा हुए, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. क्लास, अगर हम कहते हैं क्लास एट, तो क्लास क्या है, जब हम कहते हैं क्लास क्या है, क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स का समूह है, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं. कोई अकेला लड़का है तो उसे क्लास नहीं कहेंगे हम, है ना, बहुत सारे, उसे एक सिर्फ एक स्टूडेंट कहेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 pupils. Pupils, P-U-P-I-L-S का pupils का मतलब होता है स्टूडेंट्स. कि हमारी क्लास जो है वो 40 बच्चों से मिलकर हमारी क्लास बनी हुई है, यानी हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, जैसे क्लास, जैसे ट्रूप. सोल्जर्स जो होते हैं, उन सोल्जर्स का जो समूह होता है, यानी जो सिपाही होते हैं उनका समूह, उसको ट्रूप कहते हैं. असेंबली मैंने आपको बता दिया. ऐसे बहुत सारे अभी आप देखेंगे जो कलेक्टिव नाउन्स हमें देखने मिलेंगे. इसके बाद आते हैं अ मटेरियल नाउन. अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, एज आयरन, वुड, गोल्ड, कॉटन. ऐसी चीजें जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती है, ऐसे मटेरियल जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती है, उसे मटेरियल नाउन में गिनते हैं. जैसे आप कहते हैं कि एक अलमारी या एक टेबल, तो एक टेबल कहाँ से बना होगा, वो लकड़ी से बना होगा, वो कील से बना होगा, कीलें लगी होगी उसमें, या मेटल का टेबल है तो उसमें पाइप्स लगे होंगे. तो ये जितने भी लकड़ी, प्लास्टिक या मेटल्स जितने भी हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये तमाम ये जो चीज़ें हैं जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे मटेरियल कहते हैं, और इसे मटेरियल नाउन में गिना जाता है. इवन आप जो चाय पीते हैं, तो चाय मटेरियल नाउन में नहीं आएगा, क्योंकि चाय कई चीज़ों से मिलकर बनती है. कौन सी चीज़ें हैं, वो है वाटर, वो है मिल्क, वो है शुगर, वो है टी. तो ये शुगर, टी, मिल्क, वाटर, ये सब मटेरियल होगा, और इससे मिलकर एक नई चीज़ बनी जो चाय है, लेकिन वो कॉमन नाउन होगा, वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, राइट. तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया. यहाँ पर एग्जांपल है, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब सोने और चांदी से जेवर बनाए जाते हैं, है ना, सोने और चांदी से जेवर बनाए जाते हैं. तो यहां पर जो सिल्वर और गोल्ड जो है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये मटेरियल नाउन है, राइट. तो यहां पर आप इसको पहचाने, यानी किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई ये मटेरियल नाउन, किसी ने कहा कि बेंच, टेबल, है ना, तो ये आपको नहीं लिखना है कि बेंच कोई मटेरियल है. नहीं, मटेरियल से मिलकर ये चीजें बनती है ना.
तो आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं, सिर्फ यहां तक, और कल हम यहां से शुरू करेंगे अगले लेसन में, अगले इसमें, जिसमें आपको ये दूसरी नाउन से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं ये हम कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और घर में मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू।